ये देखिए, AWM का करारा चांटा और रौनक एंड ओवेज यहाँ से गेम से बाहर हो चुके हैं। दो प्लेयर इंस्टेंटली शट डाउन हुए हैं। दो किल्स में यहाँ पे फनाटिक, फनाटिक को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, को जेएसएल रुकने का नाम नहीं ले लिया। और वहीं पे एस्टेक के बाद 10 किल्स है। भाई कौन है ये टीम, ये अभी तक कहाँ छुपे थे भाई? पीएमसीओ में जो धमाका मचा रहा है, ट्रस्ट में अगर पहले आते तो क्या गजब ढारों के होते। 14 points, 10 points कौन निकाल रहा है? एक नई अंडरडॉग टीम निकाल रही है। ट्रस्ट में ये लोग एक अलग ही लेवल पे पहुंचेंगे, और जो मेहनत ग्राइंड इनकी दिख रही है मजाक की बात नहीं है। बट अभी यहाँ पे एस्टेक का जो स्पाइट है, वो लोग अभी तक फाइनल सर्कल तक कोई भी पूरा स्क्वाड गया नहीं था, बट इस वाले मैच में आए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और इनको मेहनत करनी पड़ेगी फॉर द चिकन डिनर। वो 20 पॉइंट निकालने पड़े। स्पाइडी ने यहाँ पे नॉकडाउन करे डांगी ओपी को, एंड FR यहाँ पे क्लोजिंग करे, बिकॉज जोन उनके ऊपर नहीं है। अब देखते हैं जोन बनता कहाँ पे। फनाटिक एंड टीम नंबर 16 दैट इज एस्टेक के ऊपर बना है। JSL और OR और फोरियर को यहाँ पे जोन के अंदर आने की कोशिश अभी से शुरू करनी पड़ेगी, बिकॉज सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। बाद में बहुत ज्यादा काटेगा जोन। सेवेंथ फेज यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज देता है, एंड OR का स्क्वाड उनको थोड़ा बहुत स्टेप डाल डाल के यहाँ पे आना पड़ेगा, बिकॉज कार का कवर यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जॉन यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपन में प्रोन डाउन होते हैं। स्प्रे यहाँ पे खत्म होता है, वहाँ पे मैगजीन फिर से रीलोड करिए। एंड OR का जॉन अभी भी यहाँ पे, मेरे ख्याल से सिंगल टैप भी अगर वो यूज करते तो दैट वॉज सफिशियंट ओवर देयर। जॉन वहाँ पे अभी भी प्रोन थे, तो 1 HP वहाँ पे छोड़ा। मेरी कहा स्प्रे में यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत आई थी स्पाइडी को, बट इवेंचुअली वही सिंगल टैप है वहाँ पे उन्होंने नॉकडाउन करा। स्काउट यहाँ पे जॉन का किल स्टील करने की कोशिश कर रहे थे। स्पाइडी अभी भी अपेल है। स्काउट के ऊपर यहाँ पे एक लोटस ग्रेनेड ट्राई कर सकते हैं बोलो, बट फनाटिक यहाँ पे वापस से पोजिशन एटलीस्ट लेके जाते हुए। दलजीत ने यहाँ पे डाउन से अपेल नॉकडाउन करा स्पाइडी को। अब स्काउट को मेरे ख्याल से आइडिया हो गया, ऊपर एस्टेक की एक स्क्वाड थी एंड वहां पे वो लोग नॉकडाउन हुए। एक प्लेयर नॉकडाउन है यहाँ पे। स्काउट ने बहुत प्यारी तरीके से किल फीड रीड करी, बट वहां पे वो गन फाइट में हारते हुए वहां पे, एंड बहुत प्यारा वहां से कवर फायर आया था। RB नॉट OP का एश आता हुआ वहां पे। फाइनल बंदा यहाँ पे फनाटिक का, अब देखते हैं कैसी वाली फाइट निकलती है। माइक्रोज यहाँ पे रिलोड कर, दोनों प्लेयर नॉकडाउन। एश यहाँ पे 2 kills और कंफर्म करेंगे टीम फनाटिक के लिए। एस्टेक ईस्पोर्ट के लिए पीछे से और कवर फायर आता हुआ, बिकॉज उनके सिर्फ 2 प्लेयर नॉकडाउन होते। सेटन एंड किल्सम यहाँ पे दोनों एश के ऊपर यहाँ पे चढ़ के बैठेंगे, बिकॉज 1v2 करना यहाँ पे मुश्किल है। बट एश ने एक प्लेयर और नॉकडाउन कर दिया था, बट पीछे से कवर फायर आया था यहाँ पे एस्टेक के RG नॉट OP का। अब दलजीत होल्ड करे, दलजीत अकेले सर्वाइवर है। वो बच रहे थे ORB से और वहां से फायदा उठा एस्टेक ने। एस्टेक ने भी किल निकाली। आई कैन बिलीव दिस थिंग कि भाई यहाँ पर एक टीम 16 points लेके बैठी हुई है, और JSL जो अभी बाहर हुई है थर्ड पॉइंट, उनके पास 24 points ऑलरेडी है। तो चिकन डिनर प्लस 4 points आप लगा सकते हो, बट उनकी किल्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, उनको कंपनसेट कर रहे हैं। बट अब देखते हैं, इट्स अ 1v3 सिचुएशन। अकेले दलजीत बचे, एंड दे नो एग्जैक्टली कि दलजीत कहाँ छुपे हैं। दलजीत को एक नेक्स्ट लेवल मिरेकल, कुछ नेक्स्ट लेवल गेम परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। और अगर सर्कल उनके फेवर में है, यस दलजीत के फेवर में सर्कल है, एस्टेक के प्लेस को आना है। अब एक मुझे फ्रैग वीडियो की उम्मीद है। नो डाउट दिस अंडरडॉग टीम एस्टेक प्लेड सो गुड, बट ORB के दलजीत के पास वो पोटेंशियल है कि ओ दिस इज अ स्मार्ट प्ले, ये ही करना चाह। देखिए गाड़ी लेके आ रहे, स्मोक करके आ रहे, डिस्टेंस इक्वल इन टाइम में जीरो कर दिया है। ORB के दलजीत को स्पॉट कर रखा है, गाड़ी चलाने की कोशिश, दैट इज अ ब्रेव मूव। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऑफ पोजीशन गेम दिखाया, दलजीत को बिल्कुल सराउंड कर लिया है, दलजीत ज्यादा देर कुछ नहीं कर पाएंगे। किल्सम ने यहाँ पर फाइनल किल निकाली, दलजीत को मारा, दलजीत की टीम सेकंड आती है और फर्स्ट पोजीशन पे। चिकन डिनर टीम है यहाँ पर टीम एस्टेक। व्हाट अ गेम, डे 3 की पहली गेम, एंड आई सॉ समथिंग।